शिवम त्यागी जी, ये शुक्रवार का दिन, एक कोई बोल रहा है कि जुमे की नमाज शैतानों का अंत होगा, कोई कह रहा है कि माँ संतोषी का ये दिन है और शैतानों का नाश हो जाएगा, ये हो क्या रहा है ये? देखिए, शुक्रवार जो है माँ संतोषी का दिन तो होता ही है, और माँ संतोषी का दिन है तो हिंदू उसको उसी तरीके से मनाते हैं, और हमें पूरा संतोष है कि दूसरे फेज में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जो है जबरदस्त माहौल रहने वाला है। रही बात बाकी लोगों की, जो वो कहते हैं कि शैतानों का अंत हो जाएगा और ये सब, अब जो शैतान होंगे उनका अंत हो जाएगा, मैं तो यही कहूंगा। और तीसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, जिस तरीके से चीजें रही, जिस तरीके से माधवी जी ने जो है पूरा कैंपेन किया है, मुझे लगता है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट से शायद बाहर नहीं निकल पाए, बहुत ही कम निकल रहे हैं, वरना आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। अब 2019-14 ये सब चुनाव अगर देखेंगे तो याद होगा कि पूरे देश में दहाड़े मार मार कर चिल्लाते थे, लेकिन इस बार ऐसा माहौल कर दिया है माधवी लता दीदी ने कि हैदराबाद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उनको लग रहा है अपनी सीट ही खतरे में है। और मैं तो ये देख रहा हूं कि ये हाजी मेहरदीन रंगरेज उनकी पार्टी के कोई मतलब अच्छे पदाधिकारी हैं, अरे जाओ भैया अपने सदर की कुर्सी बचा लो, जाने वाली है, और थोड़ी मदद करो उनकी, थोड़ा जाके हैदराबाद में आसपास घूमो, वरना हालत खराब हो जाने वाली है, इस बार हार रहे हो आप। अच्छा रंगरेज भाई, अच्छा बोलते हैं रंगरेज भाई, जरा ये बताइए कि कौन है शैतान, किन शैतानी ताकतों की बात ओवैसी साहब कर रहे हैं? जो शैतानी ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, जो शैतानी ताकतें आपस में जो है विवाद खड़ा करना चाहती हैं, देश के ताने बाने को खराब करना चाहती हैं, वो शैतानी ताकतें हैं। उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं, जो शैतान है वो मर जाएंगे, तो बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये जो बार बार कह रहे थे माधवी लता वाला मसला, वो तो हैदराबाद का है, उन्होंने बात कही किशनगंज में, इन्हें इतना ही नहीं पता शिवम त्यागी जी के बात कर रहा हूं भाई, वो पता है मुझे किशनगंज में कहा उन्होंने, जो है असद साहब वहीं पर थे तीन भाई, हाँ, और तीन दिन तक असद साहब अभी बिहार में थे और 3 दिन खूब प्रचार करा, सारी रैलियां के एक एक दिन में 3-3 रैलियां करी, और हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो हैं वो बिहार से जीत के भी आ रहे हैं। तो आपको चिंता करनी चाहिए, जब आप देश के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, लोगों को महंगाई बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान पे ले आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इन बयानों की शुरुआत कहां से होती है रंगरेज साहब? रंगरेज साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, गुलों पे ले आते हैं? नहीं रंगरेज भाई ये बताइए, छोटे ओवैसी साहब कहते हैं कि टोपी वालों को देख देख के चुन चुन के ये मारेंगे, दाढ़ी वालों को चुन चुन के मारेंगे, है ना? तो ये तुष्टीकरण की बात, ये डर दिखाने की बात कहां से शुरू होती है, ये आपसे जानना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। अच्छा मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, देखो दिल पे हाथ रख दिया, कंधा नहीं, थोड़ा नीचे लाइए, हाथ जो है ना सेफ नहीं है, ट्रेन में जाता है तो चेतन जैसे लोग मार देते हैं, अगर वो रोड पे घूम रहा है तो जय सी आराम के नारे लगवाते हैं और फिर मारते हैं। फिर वही बात, तो मतलब आप लोगों ने यही सोचा है? नहीं रंगरेज भाई बस इतना सा मेरे को बता दीजिए, बाकी मेहमानों से तुरंत मैं बात कर लूंगा, क्या आप लोगों ने यही सोचा है, यही डर दिखा के जनता के बीच में जाना है? अरे जनता जनता मुद्दों पर राजनीति करने वाली है, और जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी भाजपा को, जो समाज में ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। हम तो सबका साथ सबकी बात करते हैं, हम कोई एक 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 धड़े की बात नहीं करते। जब प्रधानमंत्री जी इतने बड़े प्रधानमंत्री जो है संविधान की शपथ लेते हैं, और जिस देश का कोई धर्म नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें वो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, तो शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। तो मैं तो बार बार कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, हम इतनी अच्छा राजनीति मतलब आप लोग खुलकर यहाँ पर बयान दें, मुद्दे की शुरुआत करें, हाँ तुरंत जवाब दीजिए, फिर आगे मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये हाजी मेहरदीन रंगरेज पता नहीं ऐसी ऐसी बातें मोदी जी से ज्यादा, तो सुन तो लीजिए आप, सुनिए ना रंगरेज भाई, अरे रंगरेज भाई सुनिए ना, मुसलमानों से अरे रुक जाइए, बीच में नहीं बोलना, सुन लीजिए भाई बीच में नहीं बोलना, सुनिए ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा घुसपैठिया, रंगरेज अपने ऊपर ले बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बाहर, सुन लीजिए रंगरेज अपने ऊपर ले बैठे, रुकिए ना जरा, अरे भाई घुसपैठिया कहा है इधर, प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया कहते हैं अपने आप को समझ लेते हैं, पता नहीं क्या हो गया भाई, उन्होंने तो नहीं कहा मुसलमान, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा उस विषय में, उन्होंने कहा घुसपैठियों को मिलेगा, बाप अपने आप को घुसपैठिया मानते हैं, विषय अलग है भाई, अब इसमें हम क्या करें, लेकिन ये सच बात है, मतलब हमारे जो है मंगलसूत्र सोना ले लेकर, जमीन ले लेकर, घर ले लेकर, प्रॉपर्टी ले लेकर घुसपैठियों को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं घुसपैठिया ये मान लेते हैं मुसलमान, प्लीज ऐसे नहीं, इस तरह का अपमान मत कीजिए अपने सदर का, ओवैसी जी का ऐसा अपमान ठीक थोड़ी ना लगता है कि आप उनको घुसपैठिया बताने लग गए, हमने नहीं बताया, आप अपने आप कह रही है, गलत बात है भाई, ऐसे इस देश के नागरिक को नहीं कहना चाहिए आपको, गलत बात। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ में है, डॉक्टर नीति शर्मा
माधवी लता बात सुनिए, एक महिला शक्ति अजहरुद्दीन ओवैसी के सामने है, कड़ी टक्कर दे रही है और जिस टोन में ओवैसी बात करते हैं उसी टोन में उनको जवाब भी दिया जा रहा है। क्या ये एक बड़ी वजह यहाँ पर हो सकती है कि ओवैसी साहब इस बार इतना आक्रामक होने की कोशिश कर रहे हैं, इतना आक्रामक होने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका खामियाजा शायद खुद को ही ना भुगतना पड़े? हिमांशु जी, दिन में ना एक बार सरस्वती का वास आपकी जिभ्या पर होता है और मेरे ख्याल से ओवैसी ने जब ये बयान दिया था कि शैतान मरने वाले हैं या शैतानों का नाश होने वाला है आने वाले शुक्रवार को, तो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती उनकी जिभ्या पे जरूर विराजमान होंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, धूम्र विलोचन का नाश करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली माँ दुर्गा ने कहीं ना कहीं माधवी लता के रूप में आज जो तेलंगाना की जमीन पर जो एक हुंकार भरी है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में जो भय है वो दिख रहा है कि ओवैसी साहब आज जमीन पर उतर आए हैं और आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस कटघरे में लेकर आ चुके हैं कि अगर इस समय जो देश की जो जनता है जो एक तरफा विकास के साथ जुड़ गई है, जो धर्म के तुष्टिकरण को समझ पा रही है, आज अगर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो विरोधी पक्ष के खेमे के भी लोग वहां पे, चाहे मुसलमान समुदाय के हों, वहां पे जाके भगवान राम की आशीष लेकर आए हैं। आज वो समझ चुके हैं कि अगर आज बीजेपी का अगर ताज ऊपर जा रहा है विश्व स्तर पर, तो कहीं ना कहीं AIM के खेमे में ये भय उत्पन्न हो चुका है कि कहीं हमारी वक्त बोर्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर कहीं ऑडिट ना हो जाए। तो ओवैसी साहब ने जो जब्त कर रखा है वक्त बोर्ड के और मुसलमानों के नाम पे जो एक प्रकार से उनकी संपत्तियां को हरण कर रखा है, उसके ऊपर ऑडिट ना हो जाए, इनके हाथ से इनकी ताकत, जो इनकी आर्थिक ताकत है वो ना चली जाए। जो ये धर्म के दुष्टीकरण को बांटने का प्रयास कर रहे हैं वहां पे माधवी लता का जो नाम वाण है उससे भय हो चुका है आज ओवैसी साहब, समझ चुके हैं। क्योंकि जब देश ने ये देखा, जिस समय 3 तलाक का कानून लाया गया, मुस्लिम महिलाओं को सत्याचार से बाहर निकाला गया, तब ये कुछ नहीं कर पाया। मुस्लिम को बाहर करने की बात करते हैं, जब देश ने देखा कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी का भी जाति का कार्ड या धर्म के कार्ड के बगैर उनको आवास की योजनाओं का सुख दिया गया, तब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं। देश देख रहा है किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो उसके माध्यम से हेल्थ की सुविधा हो, दूसरी तरफ माधवी लता जी जो है एक फायर ब्रांड नेत्री के रूप में सामने आई है, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं को वो सेवाएं दे रही हैं, चाहे वो अपने अस्पताल के माध्यम से या उनको एक करती हुई देखी जा रही है, पसमांदा मुसलमानों की जो समस्याओं को वो जो निर्धार उसको निवारण करती देखी जा रही है। तो ओवैसी साहब कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि दुर्गा रूपी माधवी लता उनको किसी ना किसी तरह उनका अंत जो है इस समय होने वाला है और उस भय के कारण ही वो बोल रहे हैं कि शैतान। अच्छा ठीक है, अजहरी साहब जरा ये बताइए, दिन होता है, अजहरी साहब जरा ये बताइए, जिस तरह की बयानबाजी ओवैसी साहब की तरफ से की जा रही है, अब जुमे के दिन वाले बयान जो उन्होंने कहा कि जुमे का दिन है और जो शैतानी ताकतें हैं वो कामयाब नहीं होंगी, शैतानों को हटाएंगे, तो ये क्या वोट बैंक की तुष्टिकरण हो सके, इसीलिए ऐसी बयानबाजी दी जा रही है? इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे बयान सुनवाए थे जिसमें मुसलमानों को ये बताया जा रहा था कि आपके साथ गलत हो जाएगा अगर ये आ गए तो, बीजेपी वाले आ गए तो, बार बार उनको डर दिखाने की कोशिश की जा रही है तुष्टिकरण के लिए? देखिए, जिस मुल्क में जिस मुल्क के वजीर आजम के पास बोलने के लिए कुछ ना हो, पहले राम मंदिर और मस्जिद और उसके अलावा दूसरे तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के नाम से वोट मांगता हो, जिस मुल्क के वजीर आजम के पास ये सब बातें होने के साथ साथ वो आखिर में मंगलसूत्र तक चला जाए, जिस मुल्क का वजीर आजम घुसपैठिया कहते हैं एक समाज को, तो आप बताइए उस मुल्क में असदुद्दीन ओवैसी की क्या हैसियत है? उन्होंने तो ये कहा कि शैतान कामयाब नहीं होगा, शैतान हारेगा। तो इसमें जैसे अभी घुसपैठिया के नाम से भाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े बेचैन हो गए थे, मैं पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी दल, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी शख्स का नाम लिया है उसने? उन्होंने कहा शैतान हारेगा, आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का, शैतान हारेगा। इसमें 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 क्या आप इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं?